विपक्ष की बैठक जो 23 जून को हुई थी उसके बाद अब प्रधानमंत्री ने जोरदार हमला विपक्षी एकजुटता के मुहिम पे किया है। साफ तौर से कहना है उनका कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन रहा है ताकि जेल जाने से बचा जा सके, लेकिन उन्होंने इस बात की गारंटी दी है कि अगर कोई घोटालेबाज है तो उसकी जगह जेल ही होगी, किसी भी हाल में वो बचेगा नहीं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। राजेश जी, प्रधानमंत्री ने कल दो बातें जो है कही है, जोरदार हमला विपक्ष पे बोला है। पहला तो ये वंदे भारत जब वो उसको इनॉग्रेट करे थे उसके बाद उन्होंने जोरदार हमला बोला, ये कहते हुए कि अगर आप लालू परिवार का भला करना चाहते हैं तो आप आरजेडी को वोट दीजिए, मुलायम परिवार का भला करना चाहते हैं तो आप सपा को वोट दीजिए। इसी तरह से उन्होंने कई नाम बताए और उनका साफ तौर से कहना था कि वंशवाद को आगे बढ़ाने और उसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है, जेल जाने से बचने के लिए ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम विपक्षी एकजुटता का बना है और ये सिर्फ अपना भला करेंगे, अपने भविष्य को सुरक्षित करेंगे, लेकिन अगर आपको अपने बेटे, अपने पोते, अपने नाती, अपने नतनी के भविष्य को सुरक्षित करना है तो आप बीजेपी को वोट करें। नहीं, देखिए विपक्षी दल की जो एकता दिखाई दे रही है उसे निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी विचलित हो गए हैं और दिमागी विचलन में इस तरह की बातें व्यक्ति करता है, ये कोई नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी बहुत सारी बातें कर रहे हैं और मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी जितना डिटेल्स में जा रहे हैं उतने ही डिटेल्स में प्रधानमंत्री जी के बारे में भी लोग जाएंगे, क्योंकि आप सारी बात कर रहे हैं, आप किसी के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं, देश की जनता को सब पता है कि आपने क्या किया है। आप मणिपुर पर बात नहीं करते, आप जो जेल भेजने की बात कर रहे हैं आप मध्य प्रदेश में कर रहे हैं जहां 50% कमीशन वाली सरकार है, उसका जेल जाना तय है, व्यापम घोटाला के किरदार है वो, और इस तरह की बात करके वो निश्चित रूप से ध्यान देश का भटकाना चाहते हैं, देश को गुमराह करना चाहते हैं। देश में जहां तक वो वंशवाद की बात कर रहे हैं, देश में अगर आप नफरत को जिंदा रखना चाहते हैं, देश को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहते हैं, देश को गॉडसे के रास्ते पे चलाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। आप देखें कल महाराष्ट्र में किस तरह से गॉडसे के मानने वाले लोग बाबा साहब को अपमानित करने का काम कर रहे थे और उनकी जम के कुटाई हुई है। पूरे देश में इस तरह की जो बात करेगा, नफरत फैलाने की बात करेगा, उसकी जम के कुटाई होगी। अब प्रधानमंत्री जी जब भी बोलते हैं तो एक बार गिरेबान में झांकना चाहिए कि इस पूरे देश में अगर 140 करोड़ लोग हैं तो उसमें जितने परिवार वाले लोग हैं उनका वंश है, और जहां वंश होगा वहां इस तरह की बात हो सकती है, उनको मानना पड़ेगा, और वंश जहां नहीं होगा और वंशवाद की बात करते हैं, वंशवाद की बात क्यों नहीं करते वसुंधरा राजे सिंधिया के मामले में, वंशवाद की बात क्यों नहीं करते राजनाथ सिंह के मामले में, वंशवाद की बात क्यों नहीं करते मेनका गांधी के बारे में, आप क्या बात कर रहे हैं? आप जब भी कुछ कीजिए तो एक बार जरूर अपनी ओर भी देखिए और भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है उसको देखिए, वरना इसी तरह करते करते आपने हिमाचल खो दिया, कर्नाटक खो दिया और पूरा हिंदुस्तान खोने जा रहे हैं। विचलित ना होइए, मर्यादा में रह करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह बात कीजिए, नहीं तो फिर भगवान हनुमान का, बजरंग बली का गदा चलेगा और पूरे देश से एक बार आप फिर साफ नजर आएंगे। धन्यवाद राजेश जी। राजेश ठाकुर जी साफ तौर से बेबाकी से ये कह रहे हैं कि अब विचलित है बीजेपी, विचलित है, प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं चुनौती लग रहा है जिसके वजह से इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, ये साफ तौर से इनका कहना है। और स्कैटिंग अटैक जो है यहां से कांग्रेस के तरफ से भी किया जा रहा है, बाकी जो अपोजिशन के लोग हैं उन्होंने भी अपनी बातें कही है और उंगलियां उठाई है कि उधर क्या वंशवाद नहीं है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।